नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले महाशिवरात्रि के पावन उत्सव पर आज सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर बाबा भोलेनाथ की, बाबा बर्फानी की झांकी, ये झांकी की तस्वीरें जो हैं ये गाँव गजनसू ब्लॉक मढ़ जम्मू की हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ की बारात में जो बाराती हैं, जो भगत जन हैं, वो नाच झूम कर जो हैं वो बारात में जा रहे हैं और बड़ी ही खुशी आज सबके चेहरे पर देखी जा रही है। और बाबा भोलेनाथ की झांकी भी साथ साथ में चल रही है। और ये देखें आप तस्वीरें, ये देख सकते हैं आप, शिवरात्रि का ये त्यौहार जो है वो पूरे देश में ही बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और तस्वीरें में हम लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं इस बाबा भोलेनाथ की, बाबा बर्फानी की बारात में यहाँ पर निकले हुए हैं। ये देखें आप ट्रैक्टर पर किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम हमेशा से कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी इस चीज़ का संज्ञान रहना चाहिए कि आखिर ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं। और ये देखें आप, यहाँ पर लंगर व्यवस्था भी, जगह जगह यहाँ पर लंगर व्यवस्था भी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे गांव गजनसू में, गजनसू मार्केट की तरफ से, गांव के लोगों की तरफ से जो है यहाँ पर लंगर भी, प्रसाद जो है यहाँ पर लगाया गया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सबसे अहम, कि ये झांकी आज विशेष तौर पर इसलिए निकाली जा रही है शिवरात्रि के साथ साथ गाँव गजनसू में एक बाबा भोलेनाथ का एक मंदिर भी जहाँ पर बनाया गया है। बड़ा ही खूबसूरत मंदिर का यहाँ पर एक निर्माण भी हुआ है। और मैं आपको बता दूँ कि ये फॉर्मर जो सरपंच हैं गांव पंचायत गजनसू के, उन्होंने ये मंदिर बनवाया। और तेरी
ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, जगह जगह जो है वो लंगर प्रसाद की जो है वो व्यवस्था भी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से की गई है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह से झांकियाँ निकलती हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म जो है इससे उजागर भी होता है। और ये देखें आप, यहाँ पर जितना भी यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं वो भी यहाँ पर बड़ी खुशी और उल्लास के साथ बारात में आए हुए हैं। और झांकी जो है, ये तस्वीरें इस समय जो हैं ये गगनसू की हैं। एक बार फिर से आपको बता दूँ कि यहाँ पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर झांकी निकाली गई है, और इससे पहले भी हमने देखा कि जन्माष्टमी पे भी बड़ी खूबसूरत झांकी यहाँ पर निकाली गई थी। और ये गगनसू की तस्वीरें, तमाम लोग यहाँ पर इसमें शामिल हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, बाबा भोलेनाथ की बारात में जो है आए हुए हैं। अक्सर हम अपने घरों की शादियों में तो नाचते हैं, पर बाबा भोलेनाथ की बारात में भी आए लोग देख रहे हैं हम किस तरह से खुशी यहाँ पर मनाते हुए। और ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें जो हैं ये मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। चिरा की ख्वाहिश ही दिला च ते शिव बोले ने जोल्लै ओह्दी तरफा जोल्लै ब्याह होई ते उस वेलै बनिया। पहले तो मैं बड़ी कोशिश की थी ते हुण मैं कोई अपने लिए नहीं, जिहड़ा मंदिर है हर एक वास्ता साढ़ा मतलब मंदिर है नहा है भी, ते इस वास्ता मैं मंदिर जिहड़ा मेरी ख्वाहिश ही ते ओह मैं बनाया। इत्थे आनिया हर एक आदमी इंसान जिहड़ा अपनी सेवा करी सकदा शिव बोले दी, कोई नहीं ऐसी गल है जी। और शिवरात्रि पर भी सारे अभी मुबारकबाद दिना, तो जी झांकियाँ तो अगर भी मैं शुरू को लिया कढ़ा रहा, तो थोड़ा बिच ब्रेक लगी है, तो इस वास्ते मैं शौक है झांकियों का भी, तो जिन्ने चिर मैं अपनी सेहत ठीक रहो तो वो मैं कर दिता, जी आने वाली पीढ़ी अच्छे काम करो उंदे भी असर पाउंदा। जेकर हुण इस वेलै नशे नुशे का कम बड़ा होए गा, तो पहले लोग रामलीला भी खेलते, ड्रामे भी करते, उंदे हाल दिखे अस भी करते, तो अगू का हुण सिस्टम का और चली अद्ध पैसा है नहीं कुछ ध्यान, आने वाली पीढ़ी भी बड़ा असर पाउंदा इस वेलै। बोल शंकर महाराज की जय।